हाय तुमने कहते खैरियत से होंगे आपकी दोस्त में आप भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ आलू अंडे। मैंने सबसे पहले क्या देखा, मैंने एग बॉयल होने रख दिए थे, तो उसके बाद मैंने सारे मसाले वगैरह काट लिए। मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, ये हमारे पास प्याज है, ये हरी मिर्ची है, ये है लहसुन और ये अदरक और ये टमाटर। अब हम इन सबको जग में डाल के पहले ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं गाइस इसको जग में डालने लगी हूँ। मैंने सारा जग में डाल दिया, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो गाइस तकरीबन 1 टीस्पून पानी तो अपन जग में डाल देंगे इसमें, तो हमने पानी डाल। तो अभी हम ये चलाने लगे हैं, ऑन कर लेते हैं जिसमें रखमान। तो ये शायद हो गया होगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। जो आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे प्याज टमाटर मसाले, मैंने अभी इसको सारा मिक्सअप कर लिया और ग्राइंड कर लिया। इसको हम साइड पर रखते हैं और देखते हैं कोई और चीज़ लगा देते हैं। और देखें ज़रा ग्राइंड करने के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ती हैं, कितना मुश्किल होता है। तो दाल अब मैं क्या कहते हैं, ये मैंने ग्राइंड कर लिया और आप देखते हैं ये भी बॉयल हो गए हैं। तो अब हम आलू भी कट कर लेते हैं। तो गाइस बस वीडियो बनाने के लिए हमें बनाना था सालन, तो इसके लिए थोड़े से चाहिए होते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 1/2 kg आलू है। आलू भी बहुत महंगे हो चुके हैं, तो वो भी लेना इंसान के लिए मुश्किल है। तो और ये मैंने काट लिया धनिया, अब इसको मैं वॉश करके आऊँगी। उससे पहले मैं ये छील लूँगी। अब तो मैं ये धनिया भी वॉश करने जा रही हूँ, तो इसको भी वॉश करके रख लेते हैं क्योंकि सूखने में ज़्यादा टाइम लेगा। और वॉश कर लेते हैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी वगैरह होती है, और फिर वो मिट्टी वगैरह मुँह में आती है। अभी भी ये वॉश नहीं हुआ। तो ये वॉश हो चुका है, अब इसको हम जल्दी से रख देते हैं इधर, ये ड्राई हो जाए और लाइट बंद कर देते हैं। तो अब बाकी जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये मैंने प्लेट भी ले लिया और यह मैं आलू कट करने लगी हूँ, और साथ ही साथ इसके जो छिड़के होते हैं मैं इसमें डाल दूँगी। और आलू कट करने के बाद मिलते हैं। तो यह आलू कटना को छीलना बहुत मुझे मुश्किल लगता है और मुझे पसंद भी नहीं आया ये काम करना। धोने से काटने से पहले मैं इसको धो के लाऊंगी और वह मैं इसको धोने जा रही हूँ। लाइट ऑन करते हैं और अभी इसको वॉश करके अच्छी तरह फिर काटेंगे। अब ये वॉश हो चुके हैं, तो टाइम हो गया है 10:20 और इंशाल्लाह पौने घंटे तक ही बन जाएगा। और कुछ लोग पहले आलू बॉयल करने के बाद छीलते हैं और कुछ लोग छीलने के बाद बॉयल कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे करते हैं। मैं तो पहले उसको छीलूँगी फिर उसको बॉयल करूँगी। तो थोड़े से आलू थे, 3 हो गए हैं, बस अभी 1 रह गया, उसको भी जल्दी से आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने फाइनली वो कट कर सारे मैंने छीले, मैं इनको कट करती हूँ और ये शायद हो गए हैं एग, चूल्हा हम बंद कर देते हैं। मुझे ना ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे इस पर जैसे शेफ़ वगैरह कट करते हैं रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बेलने चकला बेलन का कर लेती हूँ, इसका भी सही रहता है ऐसे जैसे शेफ़ की तरह ही मैं तो समझ के कटती हूँ। तो ये मैंने सारे आलू कट कर लिए हैं, इसी शेप में मैंने सारे चने देखे हैं, जितने भी हैं इसी शेप में मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब मैं आगे का प्रोसेस देखें, मैंने आलू प्लेट में निकाले हैं, बिल्कुल सही कटे हैं, और उसके बाद मैं इनको छीनने लगी हूँ। मुझे याद है मैं आप लोगों को एक हैक बता दूँ अंडे निकालने का, नया हैक ये देखें, ये चिमटा पकड़ें ऐसे करें, एक मैं सीधे हाथ से कर लूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रही थी, ये देखें आराम से आ जाते हैं, ये देखें आ रहा ही नहीं, मैं तारीफ क्या करती, ये आ जाएगा, ये देखें, ये एक मैंने आप लोगों को एक नई हैक भी बता दी है, आराम से आ जाता है ये। आप लोगों ने यूँ पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ा जाएगा, और आप लोग इसको यूँ ही करके पकड़ेंगे तो फिर पकड़ा जाएगा। और ये मैंने सारे एग्स वगैरह निकाल दिए।
अब दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया इनको छीलना, और गर्म गर्म है पहले, इनको मैं ठंडे पानी से धो के ले के आती हूँ। बॉयल करने से पहले भी वॉश किए थे पर ठंडे हो जाएं इसलिए वॉश करके आएंगे दोबारा। तो मैं इनको वॉश कर रही हूँ ठंडे करने के लिए, और मेरे ख्याल से हो गए थे। हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं। तो ये देखिए अब बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, अब इनको आराम से मैं छील सकती हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने एग्स भी सारे छील लिए हैं, और ये इसका सारा छिलका, तब इसको हम फेंक के आ जाते हैं। और शिप कर रहा है वैसे मेरे अंडे, जब मैं इसको छीलती तो शेप्स खराब हो जाती हैं और बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अब अगला प्रोसेस है, ये मैंने दो चीज़ें रेडी कर रही हैं और वो भी, तो उसके बाद आप लोग पहले सारी चीज़ें रेडी करके बताऊंगी कि ये मैंने ऐड किया। तो गाइस आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, ये अदरक लहसुन प्याज टमाटर और हरी मिर्च का ये पेस्ट हमने रेडी किया ग्राइंड किया था, और इसके बाद ये हमें एग बॉयल हुए हुए हैं तकरीबन चार हैं, और इसके बाद ये हमने आलू हैं, और जैसे मर्जी आप शेप देख सकते हैं मैंने तो ऐसे दिया। तो ये तीन चीज़ें रेडी हो गई हैं, और आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या करना है। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा कि पहले चीज़ों की पतीली रखी थी जिसमें आपने बनाना है, तो फिर भी मैंने बता दिया कमेंट करके, ये ना कहना था कि तो हमें पता था। ऑन कर लिया हमने, और अब ये हम ऑयल भी इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप। अब ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, एक ब्लॉग भी हो गया कुकिंग ब्लॉग भी हो गया, दोनों ब्लॉग देखे आप लोगों को इकट्ठे दे दिए, तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, और अभी तक अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें, ताकि मैं जल्दी से 2 मिलियन हो जाएँ, फिर आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइस ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, इसमें बबल बबल कुछ नहीं बने, तो उसके बाद ये देखें उसके बाद हमें एक्स्ट्रा रेड डाल दें, ये पता नहीं क्यों ऐसे छीन के मारा। तो अब हम इसको चम्मच से नहीं लगाएंगे, तो जब तक ये ब्राउन होते हैं तो उसके बाद मिलते शायद हो गए हैं, अब इतनी जल्दी तो नहीं होंगे। तो अब मेरी मम्मा आ गई हैं इसको ज़रा संभाल लें, और मम्मा से भी नहीं हो रहा है, ब्राउन हो गए हैं। अब उसके बाद हम ये प्लेट में निकालेंगे, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये। मम्मा ये मेरे तो बिल्कुल सही काटे थे, ये क्या हो गया इनको? तो अब ये देखें हमने ये फ्राई हुए निकाल लिए हैं। तो उसके बाद ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी चीज़ें भी डाल, मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्चें सबका पेस्ट जो बनाया था मैंने इसमें डाल दिया, और इसके बाद अब हम ये चीज़ जब तक भुनाई नहीं होगी अपना चिकनाई नहीं छोड़ देगी जब तक हम इसको चिल्ले पे छोड़ देंगे, और हमारा फ्लेम अभी नॉर्मल है मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे वरना मसाला कच्चा रह जाता है। तो गाइस अभी इस मसाले का बता देती हूँ, ये है हमारे पास नमक 1 टीस्पून, ये है मिर्चें जो सिंपल होती हैं बारी मिर्चें नहीं, ये हमारे पास 1 टीस्पून है, और इसके बाद ये हल्दी है 1/2 टीस्पून, और ये ब्लैक पेपर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। ये बस चार चीज़ें ही डलती हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं डलता, अगर डलता गया तो जब डालना चाहिए जब हम ग्राइंड कर रहे हों। तो बाद में मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अगर कुछ गलती हो गई हो तो बस इग्नोर करके वीडियो पर पूरी देख लेना। उसके बाद मैं अभी तो डाल दूँ पंखे के नीचे, पंखा चल रहा है, और कमरे में अभी बाहर तो पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि इनके बगैर। तो गाइस मैं बैठ गई थी कि बस अब 2 मिनट बैठ जाती हूँ, बस मुझे याद है कि और भी काम है, काम नहीं ख़त्म होते बैठने का, सोचे ना तो और काम याद आ जाते हैं। तो अब मैं ऊपर से लेके आती हूँ झाड़ू, और एक हल्की सी झाड़ू भी लगा देते हैं। तो अभी मौसम हवा चल रही है हल्की हल्की, तो मौसम गर्म, ये देखें धूप कितनी ज़्यादा है, तो ऊपर भी नहीं बैठे जा रहा। तो
तो ये जरूर हम यहाँ से इसको नीचे फेंक देंगे। तो मैं नीचे झाड़ू मार के आप लोगों को बताती हूँ कि अब क्या करना, और आप लोगों को ये दिखा दूँ अभी भी वो ज़्यादा नहीं हुआ। जब ये बिल्कुल चिकनाई से उससे दूर हो गए जब हमने करना है देखें। और बस आप लोग तो फिर उस कुकिंग देख लेते हैं, बिहाइंड का जो सीन होता है वो तो हमें पता, जो ब्लॉग या वीडियो शूट करने से करने के बाद होता है, उससे पहले तो हम आपको ऐसे फ्रेश नज़र आ जाते हैं। तो सारी बातें छोड़ने भी मैं जैसे किसी की लगा दूँ और फिर मिलते हैं। तो गाइस मैंने जैसे अब घर लगा लिया तो मुझे तो थोड़ा सा क्लीन लग रहा था, पहले भी क्लीन था पर मुझे होता है ये ज़्यादा हो जाए और ये लेट ही कर लेते हैं। उसके बाद और चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। देखें अभी भी वो नहीं हो रहा, एक मिनट तो देखें अभी भी थोड़ा सा टाइम दे रहे देख सकते हैं। आप लोगों को मैं ब्लॉग कैंट पर भी हार का फिल्म ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या होता है और कितने हो जाते हैं बर्तन और बाकी सारे। तो इधर मेरी मम्मा टिकटॉक देख रही हैं और मैंने आप लोगों को फोन नहीं करा के कहा था मैं लेट हो गई, पर जो भी है अब मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो थोड़ा सा तो हो जाता है हैंडल। तो अब मैं इसमें चम्मच चला के देखती हूँ हो गया या नहीं, और मेरी बहन कुछ छोटी नहीं करती यहाँ तक कि अगर चीज़ बड़ी भी होना वो भी नहीं उसमें खाने की मेहनत करनी, तो सारे काम मेरे पे ही हैं आप। तो गाइस मुझे लग रहा है ये हो गया, मैं इसमें बाकी जो डालना वो डाल देती हूँ। तो मम्मा से पूछ करते हैं आगे क्या डालना है क्योंकि बाकी भी आप लोग समझ रहे कि मैं खुद बना रही हूँ तो ऐसा नहीं है, मम्मा से इंस्ट्रक्शन लेती हूँ और मम्मा बताती हैं ये डालो तो वो डाल के मैं बना देती हूँ। तो मम्मा बताना आगे क्या डालना है मम्मा, फिर आज मम्मा उसके बाद क्या डालना है ग्रेवी तैयार हो गई जी एग्स। तो अब हम गाइस एग्स डालने लगे हैं, तो अब मैं गाइस इसमें आप पोटैटो ऐड करने लगी हूँ। तो ये मैंने सारे पोटैटो मैंने ये इसमें आलू वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर दिए, थोड़े से आलू बन जाएंगे उसके बाद हम ये एग्स डालेंगे। तो गाइस मैंने आप लोगों को ये स्पाइसी भी दिखाई थी नमक, तो गाइस मैंने ये आप लोगों को दिखा दूँ ये मिर्चें वगैरह डाल दी थी। तो मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए और मैं उसको पानी तकरीबन वन गिलास डाल के तो इसको हम छोटे छोड़ देंगे और उसके बाद हम ढक्कन दे देंगे दोनों। तो उसके बाद हम ये एग्स डालेंगे तैयार।